वीवो ने बजट स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इसे कंपनी ने वीवो T2 5G का नाम दिया है। अगर आप भी इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले आपको इसकी कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। इसमें आपको कैमरा कैसा मिलने वाला है, डिज़ाइन कैसा मिलने वाला है, साथ ही इसकी डिस्प्ले कैसी है। आज हम अपने रिव्यू वीडियो में ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि इस फोन की कीमत कितनी है। ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे इस रिव्यू वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले हम इस फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैक पैनल की बात करें तो इसका बैक पैनल आपको काफी अट्रैक्टिव मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ग्लॉसी और मैट दोनों ही फिनिश मिलते हैं। कैमरा सेटअप दिया गया जो बैक पैनल पर ही है, जो डुअल रियर कैमरा है। इसके अलावा आपको राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर बटन मिलने वाला है। ऊपर की साइड आपको सिम ट्रे दी गई है, नीचे की साइड आपको चार्जिंग पोर्ट दिया गया, इसी के जस्ट साथ में 3.5mm का जैक दिया गया और साथ में ही स्पीकर दिए गए। यानी कुल मिलाकर इसका डिजाइन तो काफी अच्छा है, खासकर हैंडी है। अगर हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें तो डिजाइन को लेकर हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको बैक कवर भी दिया गया। यानी फोन स्लिपरी तो बिल्कुल नहीं है, इसके साथ इसका वजन भी काफी कम है। यानी कुल मिलाकर डिजाइन तो आपको शानदार मिलने वाला है। यानी कम बजट में कोई 5G स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं और बेहतर डिजाइन होना चाहिए तो आपके लिए डिजाइन के लिहाज से फोन काफी बेहतर होने वाला है। तो अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इसमें आपको 6.38 इंच का जो है एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा जब भी हम कोई स्मार्टफोन सर्च करते हैं तो चाहते हैं कि डिस्प्ले में जो है बेजल्स कम होने चाहिए, तो इस फोन में आपको बेजल्स तो काफी कम मिलने वाले। हालांकि बॉटम साइड में आपको थोड़ा सा बेजल्स ज्यादा मिलते हैं, लेकिन राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको बेजल्स काफी कम मिलने वाले। ऊपर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है। डिस्प्ले को लेकर अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो हमारा एक्सपीरियंस यही है, अगर आप इसमें कोई लगातार मूवी देखते हैं तो आपको इसके कलर्स को लेकर कोई शिकायत नहीं होने वाली है, क्योंकि आमतौर पर बजट स्मार्टफोन्स में देखा जाता है कि कलर्स इतने बेहतर दे नहीं पाती है कंपनी, लेकिन वीवो ने इसके कलर्स और इसके डिस्प्ले पर काफी काम किया। इसी वजह से आपको टच को लेकर भी कोई शिकायत नहीं हुई, क्योंकि इसमें आपको बेहतर टच भी मिलने वाला है डिस्प्ले के साथ। तो यानी कुल मिलाकर डिस्प्ले भी आपको काफी शानदार मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि Vivo T2 5G में आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलने वाली है, यानी रैम कैसी मिलने वाली है, इसके अलावा इसमें आपको कौन सा प्रोसेसर मिलने वाला है। सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें आपको Snapdragon 695 प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें आपको रैम के दो ऑप्शंस दिए गए हैं, 6GB रैम एंड 8GB रैम। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि स्मार्टफोन की स्पीड कैसी है। तो स्पीड को लेकर तो आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके, लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग जब आप इसमें करेंगे तो जरूर आपको थोड़ा हैंगिंग इशू का सामना होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसका बजट कम है, लेकिन बजट के लिहाज से देखा जाए तो इसमें आपको कई फीचर्स मिलने वाले हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी और अन्य फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। लेकिन जब आप इसमें गेमिंग करेंगे या लगातार चैटिंग करेंगे या मल्टीटास्किंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी जो हैंगिंग इशू का सामना नहीं होगा, लेकिन हाई ग्राफिक्स गेम में जरूर आपको थोड़ा सा हैंगिंग इशू का सामना हो सकता है। इसके साथ इस फोन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि जब आप लगातार गेमिंग करेंगे तो ये फोन हीट बिल्कुल नहीं होता है, हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा। तो परफॉर्मेंस को लेकर भी अगर आप कोई फोन सर्च कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई हाई ग्राफिक्स गेम ना भी खेलें तो भी आपके लिए स्मार्टफोन इनफ होगा, तो आप इस फोन को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की। तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है और सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का। अगर हम बात करें कि हमारा एक्सपीरियंस रियर कैमरा को लेकर कैसा है, तो रियर कैमरा तो आपको काफी शानदार मिलने वाला है, खासकर डे लाइट में अगर आप कोई पिक्चर क्लिक करेंगे तो आपको इसके कैमरा को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी। खासकर ये कलर्स काफी अच्छे कैप्चर करता है, यानी इसमें कलर्स आपको काफी बेहतर मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें आपको नाइट मोड अलग से दिया गया, नाइट मोड भी इसका काफी बेहतर। अगर हम बजट के लिहाज से देखें तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स भी दिए गए हैं, साथ ही इसमें आपको पैनोरमा मोड भी दिया गया। आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स तो मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपको क्लियरिटी पिक्चर क्वालिटी और बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर आप शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए कोई बेहतर कैमरा वाला स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए ये फोन काफी बेहतर ऑप्शन साबित होने वाला है। अगर हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। इस लिहाज से देखा जाए तो आपको फ्रंट कैमरा भी काफी बेहतर मिलता है, हालांकि नाइट मोड को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, खासकर इसके फ्रंट कैमरा को लेकर। तो ऐसे में अब आपको ये डिसाइड करना है कि अगर फ्रंट कैमरा थोड़ा सा डाउन भी हो, लेकिन डे लाइट में आपको फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स तो बहुत शानदार मिलने वाली है। अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा के फीचर्स जानने के बाद, उसकी पिक्चर क्वालिटी जानने के बाद आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी की। तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, जो 44W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। अगर हम बैटरी बैकअप को लेकर बात करें तो आपको इसमें एक दिन का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो बैटरी थोड़ी सी ज्यादा कंज्यूम करती है। अगर आप इसमें लगातार गेमिंग करेंगे, मल्टीटास्किंग करेंगे या लगातार, तो आपको इस फोन को जरूर एक दिन में दो बार चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जाता है, तो ये फोन चार्ज होने में तो ज्यादा समय नहीं लेता, आसानी से आधे घंटे में ये फोन फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन बैटरी को लेकर हमें लगता है कि इसमें कंपनी 5000 mAh की बैटरी देती है, थोड़ा यूजर्स के लिए और बेहतर ऑप्शन ये साबित हो सकता था। अब हम बात करते हैं इस फोन का प्राइस कितना होने वाला है। तो इस फोन में आपको दो वेरिएंट मिलने वाले, एक 6GB रैम और 8GB रैम का, लेकिन इसमें स्टोरेज ऑप्शन आपको 128GB मिलने वाला है। तो 6GB रैम के लिए आपको 19,000 रुपए देने होंगे और 8GB रैम के लिए आपको 21,000 रुपए खर्च करने होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा फैसला क्या है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप 20,000 रुपए की रेंज तक कोई स्मार्टफोन सर्च करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें 5G नेटवर्क सपोर्ट जरूर होना चाहिए, तो आपके लिए फोन काफी बेहतर ऑप्शन साबित होने वाला है, क्योंकि आपको इस बजट रेंज में ऑलरेडी एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, साथ ही डिजाइन भी काफी बेहतर मिल रहा है, साथ ही कैमरा भी काफी बेहतर है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इस बजट रेंज में कोई 5G स्मार्टफोन सर्च कर रहे हैं तो आप इस फोन को जरूर खरीद सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो नीचे दिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें।
है।